प्यारे दर्शकों, बहुत कोए भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस चैनल पर दोस्तों हम आपको हमेशा कोई ना कोई समाधान बताते हैं, वशीकरण का उपाय बताते हैं, जिससे कि आपको हमारे जो भी नए नए वीडियोस बनते रहते हैं उनके बारे में हम आपको नोटिफाई भी करते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले हमारे चैनल को, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट भी सबसे पहले मिले। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि लड़की तुरंत आपके प्यार में पागल हो जाए, आपके लिए तड़पने लगे, आपके पास भाग कर वापस चली आए, जी हाँ आपका प्यार आपके पास दौड़ता हुआ वापस चला आए, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों इस उपाय को करने के तरीका जो है वो बहुत ही आसान है। क्या है वो तरीका दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी वो तरीका। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका प्यार आपके पास वापस चला आए, दौड़ता हुआ आपसे आके लिपट जाए, तो आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों। दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक कील लेनी है, छोटे साइज की कील ले लीजिए, लोहे की कील जो मिलती है, जो मार्केट में आपको मिल जाएगी, उस कील को आपको लेना है और उसके ऊपर आपको काले रंग का धागा लपेटना है। जी हाँ काले रंग का धागा उसके ऊपर लपेटते जाइए कील के ऊपर, और जितनी बार आप उस धागे पर कील को लपेटेंगे, जैसे जैसे धागा उसके ऊपर लिपटता जाएगा कील पर, वैसे वैसे वो लड़की आपके वश में होती जाएगी। ध्यान रखिएगा छोटी कील आपको लेनी है, लेकिन धागा आपको लेना है 1.25 मीटर। जी हाँ 1.25 मीटर आपको धागा लेना है, और उस धागे का इस्तेमाल आपको उस कील के ऊपर करना है, यानी कि इस पर लपेटते जाना है। जैसे जैसे आप धागा लपेटेंगे आपको एक मंत्र का उच्चारण करना होगा। दोस्तों मंत्र उच्चारण करते करते वो लड़की आपके वश में हो जाएगी, आपके पास दौड़ती हुई वापस आएगी। अगर वो आपसे नाराज है तो वो मान जाएगी, आपकी मन की बात उस तक पहुंच जाएगी, आप अपने मन की इच्छा उसे बताए बगैर उससे अपने मन की बात करवा सकते हैं। आपके मन में जो भी इच्छा है आप उस लड़की से काम करवा सकते हैं। वो लड़की चाहे आपकी पुरानी प्रेमिका हो या कोई ऐसी लड़की हो जिससे आप एक तरफा प्यार करते हैं दोस्तों, या फिर आपकी भाभी हो, आपकी पड़ोसन हो, आपकी बॉस हो, कोई भी महिला हो, कितनी भी ज्यादा सख्त व्यवहार की क्यों ना हो, उसका स्वभाव कितना भी सख्त क्यों ना हो, आपके वश में होगी। दोस्तों आप किसी सुहागन स्त्री को वश में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये कील वाला उपाय काम करता है। कील वाले उपाय से आप किसी भी महिला को अपने वश में कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ बस आपको मंत्र का उच्चारण सही तरीके से करना होगा, मंत्र का उच्चारण करते करते ही वो महिला आपके वश में आ जाएगी पूरी तरह से। तो अब आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों कि जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं, जिसे आप अपने प्यार में डालना चाहते हैं, उसके लिए आपको मंत्र क्या पढ़ना होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो मंत्र जानने के लिए दोस्तों मेरे नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, उन नंबर्स पर कॉल लगाइए, मैं आपको बताऊंगी कि क्या है वो मंत्र जिसके उच्चारण से आप किसी भी महिला को अपने वश में कर पाए। तो दोस्तों मंत्र जानने के लिए मेरे नंबर पर कॉल लगाएं और मंत्र जानें। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।